हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। हंदवाड़ा एनकाउंटर में एक मेजर अनुज सूद भी शहीद हुए। उनकी दास्तान भी कम दर्दनाक नहीं है। और ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ महीने पहले ही शहीद मेजर की शादी हुई थी। वो कल ही छुट्टी पर अपने घर वापस आने वाले थे। देखिए, छुट्टी पर घर आने वाले थे, लेकिन उससे पहले उनके साथ ये अनहोनी हो गई। उन्होंने देश के नाम शहादत दी। वो जावाज शहीद घर तो लौटेंगे, लेकिन ताबूत में और तिरंगे में लिपटे हुए। तीन मई को उसका फिर फ्रेश डेट थी, छुट्टी थी, आज उसको घर आना था। जिस दिन छुट्टी पर घर आना था, उसी दिन मेजर अनुज सूद की शहादत की खबर घर पहुंची। हंदवाड़ा में आतंकियों से एनकाउंटर के दौरान जो 5 जवान और अफसर शहीद हुए, उनमें पंचकुला के शहीद मेजर अनुज सूद भी थे। जवान बेटे अनुज की शहादत से उनका परिवार गहरे सदमे में है। लॉकडाउन की वजह से अनुज के घर आने की तारीख एक बार टल चुकी थी, लेकिन जब उनका घर आना तय हुआ, उसी दिन उन्होंने देश के दुश्मनों से लड़ते हुए अपना सबसे बड़ा बलिदान दे दिया। इसको छुट्टी 22 मार्च को आना था, तो लॉकडाउन की वजह से छुट्टी कैंसिल हो गई और आज 3 मई का उसका फिर फ्रेश डेट थी छुट्टी की, तो आज उसको घर आना था। बट लक्ष्मण घर आएगा, आएगा घर। फौजी किस मिट्टी का बना होता है, ये अनुज के पिता को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है, जिन्होंने इस बड़े दुख की घड़ी में भी अपने आंसुओं को पलकों पर ही थाम लिया। अब मेजर अनुज के पिता की सबसे बड़ी फिक्र शहीद की पत्नी और अपनी विधवा बहू को लेकर है। 3-4 महीने पहले ही अनुज की शादी बड़े धूमधाम से हुई थी। वीर सैनिक है जो शहीद होते हैं, उनकी बहुएं बेटियां, उनको बसाने का भी कोई आंदोलन चलाओ, उससे बड़ा कोई योगदान तो नहीं दे सकता अपना खून बहाने से ज्यादा। मेजर अनुज सूद 31 साल के थे। हंदवाड़ा में उस एनकाउंटर में मेजर अनुज सूद के अलावा फौज के कर्नल आशुतोष शर्मा समेत 5 जवान शहीद हो गए थे। क्यों है एबीपी लाइव न्यूज लवर्स का फेवरेट? वर्क डेडलाइंस में भी स्टे अपडेटेड ऑलवेज। सो स्मार्ट कि ये करे सिर्फ ब्लू टिक वाली न्यूज पिक। जस्ट लाइक घर जैसा कंफर्ट है बेस्ट, वैसे ही अपनी लैंग्वेज में न्यूज की फील है लिट। एनी टाइम फूड डिलीवरी के टाइम पर मिलिए अपने फेवरेट एंकर से किसी भी टाइम। एबीपी लाइव ऐप के साथ रहो सबसे आगे। डाउनलोड नाउ।